फोगलाइट चेंज हो चुका है अपना 7,000 रुपये का बिस्टू टॉप वाले के लिए। ओरिजिनल फोगलाइट मेरे का कॉपी नहीं, अगर कोई बंदा कॉपी करता है उसको हमारे तरफ से स्कॉर्पियो गिफ्ट। साइड पर 18 इंची वाला है ये, बटन प्रेस किया मिरर फोल्ड हो गया, अगेन बटन प्रेस किया मिरर अपना अनफोल्ड हो जाएगा, ये वाइपर अपना वर्किंग हो गया है। इसके अंदर आपका प्राइस पड़ता है 7,500 रुपये का। स्पॉइलर विद पेंट 6,500 रुपये का ये पड़ता है अपना। सीट कवर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फुल बकेट सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये है 12 इंच की अपनी स्क्रीन, ओएम स्टाइल है और प्रॉपर ये कंट्रोल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओएम वाली स्क्रीन के अंदर जिस तरीके से मिलते हैं यहाँ पे वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस सब आप मिल जाएगा। 360 डिग्री का जो व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड व्यू आ रहा है इस साइड में, इनके बाद का जो इफेक्ट है वो चेक कर सकते हो, कूड़ा पड़ा है कितनी दूरी है क्या कुछ रहने वाला है सब कुछ आपको नजर आएगा। बिल्कुल। फिट फिनिश की बात की जाए कैसा रहा काम आपको? काम बहुत बढ़िया रहा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार जोन एक्सेसरीज करोल बाग में और अगेन अपने सामने खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो वैन। सबसे पहले मिलते हैं रोहित भाई से, रोहित भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। तो कितनी गाड़ियां आज हमारे पास आई हुई हैं? अपने पास टोटल अपने पास 6 गाड़ी थी शाम को, अभी देखो हम कितने बजे शूट कर रहे हैं, समथिंग 5 बजे के आसपास कर रहे हैं। 2 गाड़ी अपनी जा चुकी है, 4 गाड़ी अपनी पार्किंग में है। तो कौन कौन से वेरिएंट है वो रहने वाली है, वो भी जा चुकी होगी, देखना पड़ेगा उसका क्या बचा हुआ है। फिलहाल मेरे पास ये जेट टू है खड़ी दुकान में, बाकी पार्किंग में चल के वहाँ पे दिखाता हूँ और कितनी गाड़ी खड़ी है। ये जेट टू के अंदर में मानो हेडलाइट चेंजेस का टॉप मॉडल वाला अपना, तो अभी बिफोर लुक जो है वो आप चेक कर सकते हो, ये बिफोर रहने वाला है। हाँ। और वहाँ पे हेडलाइट जो है वो खुल चुकी है। फ्रंट से इसका 2 ही चीज रहने वाला है, ठीक है। साइड प्रोफाइल से अलॉय में इसके चेंजेस हो चुके हैं अपना 18 इंची, तो ये यहीं पर लगे हैं। हाँ। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सारे सारे के सारे व्हील जो है वो चेंज अपने हो चुके हैं, उसका टॉप मॉडल वाला हैंडल चेंज होना है इसका। ये बिफोर लुक आप चेक कर सकते हो, अंदर से क्या कुछ काम रह रहा है? अंदर से इसका ज्यादा कुछ नहीं, कैमरे वगैरह का इंस्टॉलेशन है, बाकी सेंटर पियानो वगैरह का इंस्टॉलेशन है और रूफ रेल वगैरह ये सब लगना है इसके अंदर में। बाकी बिफोर लुक जो है वो रहने वाला है। वाइपर इससे पीछे लगना है, वर्किंग है वाइपर, आप देख सकते हो मोटर का काम इसमें हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्किंग वाला रहेगा। हाँ। अंदर से देख सकते हो असेंबली वगैरह जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, प्रॉपर वाइपर और वॉशर दोनों ही अपना जो है वो वर्किंग आपको मिल जाएगा। बाकी अपना चलते हैं पार्किंग में, दिखाते हैं उसमें क्या कुछ है। ज्यादा कंटेंट वाली गाड़ी जो अपनी मेन गाड़ी रहेगी, दूसरी गाड़ी रहेगी जो मैं दिखा दूँ, उसके अंदर अपना ओएम सिस्टम वगैरह 360 के साथ सेटअप रहने वाला है। तो आ चुके हैं पार्किंग के अंदर, तो रोहित भाई यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ अपनी लगी हैं? ये अपनी एक जेट टू है, ये अपना मेन गाड़ी अपना ये रहने वाला है, जेट टू है इसकी, अभी बात चल रही है अपनी, इसके ओके होने लिए एक Z6 हो रही है। Z6 जो है वो अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ब्रेजा के जस्ट पीछे, तो उधर चलेंगे तो इसको भी आपको चेक करवा देंगे। इसमें 10 कलर इंटीरियर होने वाला है इसका, आप सेम कलर है अपना। हाँ जी, इसके अंदर अपना ओरिजिनल सिस्टम के साथ सेटअप है, इसका अलॉय वही नहीं लगा, इसका अलॉय लगने वाला 18 इंची लगे इसके, उसमें 17 इंची लगने हैं, इसमें 17 इंची लगने हैं, ठीक है। दुकान पर जो थी उसमें भी 18 लगी है। इस गाड़ी का ओवरऑल बात करें तो मोटा मोटा काम समथिंग 80% हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है इसकी। अगर देखोगे तो डोर के अंदर मैं दिखाऊंगा तो डैम्पिंग वगैरह काम हो चुका है इसके अंदर में। ये आप यहाँ पर चेक करिए कितनी सीट लगा दी होगी? ये 10 सीट लगी इसमें, 10 सीट। जब मैं बार बार कहता हूँ बड़ी गाड़ी से हम 10 सीट लगाएंगे क्योंकि 8 सीट हम लगा देंगे, बट 100% हो ना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगी। हाँ, मतलब छोटी गाड़ी के लिए होता है, बड़ी गाड़ी में 10 सीट चाहिए। बाकी सेंटर पैनल आप देख सकते हो खुला हुआ है, ये सीट वगैरह फिट एंड फिनिश आप हो चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हो कैसे दिखते हैं आपको, ठीक है जी। तो पैनल वगैरह क्यों खुले हुए हैं इसमें? ये पियानो वाला होना है ना इसके अंदर, ओके, पियानो टचिंग होना है, ये ओएम सिस्टम लगना है इसका, 360 सिस्टम है इसके अंदर पूरा ओएम वाला इन द सेंस जो कि अपना 12 इंच की स्क्रीन आती बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एमआईडी वगैरह हो चुका है, अलॉय में काम होना है इस पे, अभी जो हैंडल वगैरह जो भी चेंज होना अभी होना है, विंडो लोअर गार्निश रूफ रेल इसका वही रहने वाला है कंपनी वाला, ये चिपका हुआ है वो कंपनी की तरफ से, हमने उसमें चेंजेस नहीं किया, फुटरेस इसके अंदर लगाया हमने, ठीक है जी। बाकी यही कुछ है, आप बैग से अपना बैग वगैरह वाइपर इसे वर्किंग है अपना, ये वाइपर लग चुका है इसके अंदर में, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह हो गई इसकी, 360 का रिप्लेसमेंट वगैरह। यहाँ पे कैमरा रियर वाला यहाँ पे चेक कर सकते हो, मिरर में कोई अपडेट है? मिरर फोल्ड है, फोल्डिंग वाला मिरर फोल्ड है और सेंटर लॉक के साथ है अपना, ठीक है। टोटल होने वाला है, बायस पायलट वगैरह लग चुका है, बाकी कुछ यही है। बाकी आपको Z6 है उसके अंदर आपको सेम काम सिमिलर देखने को मिलेगा, उसमें 10 कलर का इंटीरियर है। हाँ जी, तो ज्यादा वीडियो लंबी करना वो नहीं है, बाकी इस गाड़ी पे हम एंड कर लेंगे। A few moments later. दोस्तों अपनी स्कॉर्पियो एन का काम जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं दोबारा से रोहित भाई से और जानते हैं क्या कुछ अपडेट किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। तो रोहित भाई क्या लगा दिया इस वाली कार में? इस गाड़ी में अपना ऑल ओवर पूरा काम कम्प्लीट है, अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। पैजेस के साथ चलते हैं, इसके अंदर फोग लाइट चेंज हो चुका है अपना 7,000 रुपये का बिस्टू टॉप वाले के लिए, प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन स्विच के साथ ओरिजिनल फोग लाइट, ओरिजिनल फोग लाइट मेरे कॉपी नहीं, अगर कोई बंदा कॉपी करता है उसको हमारे तरफ से स्कॉर्पियो एन गिफ्ट है, ठीक है जी। प्लस इसके अंदर में 220 अपना एलईडी डल चुका है, 200-220 समथिंग अपना डल चुका है, ठीक है। ग्रिल अपना पियानो नहीं है, ग्रिल स्लॉट चेंज है 7 पीस का, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना फ्रंट स्कीट आप देख सकते हो, फिट एंड फिनिश आप देखो
कैसे आ रही है, पूरा साइनिंग वाला सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और बात है साइड से, साइड प्रोफाइल से, एक चीज फ्रंट में आप देखो 360 कैमरे का रिप्लेसमेंट, तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर बार के चारों तरफ कैमरा जो है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल, साइड प्रोफाइल से लाइट का रिस्पॉन्स दिखाइए ना कैसा रहने वाला है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये अपना रहने वाला है, हाई और लो दोनों जल चुकी है, सामने रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हो, मतलब कि एक ब्राइट सेटअप जो है वो रहने वाला है। बहुत तगड़ी रोशनी इसकी हो चुकी है। कुछ वारंटी वगैरह देते हो इनकी? दो साल की रिप्लेसमेंट होती है, कुछ भी होता है, एनीथिंग फिजिकली डैमेज ना हो खाली बस। ठीक है जी, इसके अलावा साइड प्रोफाइल 18 इंची अलॉय है, ये आपके देखने में C8 वाले C8 के टायर के साथ जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और इसमें देखोगे कैलिपर जो है वो भी पेंट किया गया है, हो चुका है। कॉस्टिंग क्या बताया? 51,500 रुपए का विदाउट टायर इसका खर्च है। ठीक है, टायर का डिफरेंस आपको ऑन काउंटर या कुछ कॉल पे हम आपको कोड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है आइडिया। उसके बाद साइड प्रोफाइल से मिरर फोल्डिंग हुआ है इसके अंदर में, मिरर फोल्ड बटन से भी काम करेगा अपना अनफोल्ड, और चाबी से जो है वो भी काम करने वाला है। ये बटन प्रेस किया मिरर फोल्ड हो गया, अगेन बटन प्रेस किया मिरर अपना अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 360 का ये अपना साइड जो कैमरा है वो मिरर के नीचे आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद विंडो क्रोम, इसका कुछ रेट वगैरह बताइए ना, ऑटो फोल्ड कितने में करा देंगे? वही 11 अपना 11,000 रुपये में कम्प्लीट, 11,000 में। ठीक है जी, उसके बाद अपना फुटरेस्ट, ये अपना का जेन्युइन रहेगा, और अच्छा खासा इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी आपको मिल जाती है। साइड ग्लाइडिंग आप देख सकते हो, ये सिल्वर इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसे हैंडल पे कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ क्रोम के ऊपर अपना ब्रांडेड गैलियो का लगा इसके अंदर। आप चाहो तो इसके ऊपर बॉडी कलर लगा सकते हो, बॉडी कलर लगा सकते हो, सेंसर वेंसर वाले भी लगा सकते हो। रूफ रेल में हमने चेंजेस नहीं किया, कंपनी का लगा हुआ जो चपकने वाला है वही लगा हुआ है। इसमें चेंजेस नहीं, एक डोर वाइजर सिर्फ लगा है आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट वाला डोर वाइजर ये आपको देखने को मिल जाएगा। आफ्टर मार्केट वाले में क्या रहेगा वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है वो आपको रेड इंसर्ट के साथ में। बिल्कुल, बाकी साइड प्रोफाइल से क्रोम 6 पीस का डोर क्रोम, तो इसमें आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे तो ये चार पीस जो है वो रिप्लेस होंगे, इनको स्क्रू से जो है वो टाइट करेंगे, और पीछे वाले जो पीसीज होते हैं वो अपने इनको जो है वो स्क्रू से टाइट किया जाता है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, स्क्रू आपको मिल जाएगा, और जो बाकी पीछे के दो पीसीज होते हैं इस साइड का भी और उस साइड का भी पेस्टिंग होता है। अब रोहित भाई ऐसा है कि पेस्टिंग हो रही है तो पेस्टिंग में कहीं मतलब उखड़ेगा उठेगा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको OEM वाला थोड़ा लुक चाहिए तो प्रॉपर तरीके से ग्लास चेंज करवाना पड़ेगा, ग्लास भी चेंज हो जाएगा, हो जाएगा आपको। ठीक है जी, बैक प्रोफाइल से आते हैं, बैक प्रोफाइल से आपको रिफ्लेक्टर और क्रोम पीछे वाला, ये आप रिफ्लेक्टर जो है वो चेक कर लीजिए, इसके अंदर ये मैट्रिक्स में रहेगा, इसके अंदर आपको कई सारे मोड मिल जाएंगे, लाइट इसके अंदर मिल जाते हैं अपने, ब्रेक रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, रिवर्स लाइट हर वीडियो में हम ये बता ही रहे हैं कि कितने मोड मिलते हैं क्या मिलते हैं इसके अंदर में। ठीक है जी, उसके बाद अपना सेफ्टी गार्ड एक लगा है, आफ्टर मार्केट है ये। ठीक है जी, उसके बाद अपना 360 कैमरे का यहाँ पे अपना रियर व्यू कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपना वाइपर वर्किंग है ये, मैं आपको चेक करा दूँ, एक स्पॉइलर है, पहले वाइपर आपको चेक कराता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, वाइपर वर्किंग है वॉशर के साथ में, ये वाइपर अपना वर्किंग हो गया है, और ये अपना वॉशर जो है वो भी चालू हो गया, आप चेक कर सकते हो प्रॉपर वर्किंग। ऑटो कट के फीचर के साथ जो है वो आपको मिल जाएगा, ऑटो कट का जो फीचर है वही वर्क करेगा, बंद करेंगे जा करके अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, मतलब कि अपना प्रॉपर जिस तरीके से OEM आता है सेम वो काम यहाँ पर कर दिया गया है। बिल्कुल, इसमें टंकी वगैरह भी लगती है, वो आपको मैं दिखा नहीं पाया, चीज़ है इसके अंदर में ऑल ओवर फिटमेंट करके इसके अंदर आपका प्राइस पड़ता है 7,500 रुपये का। ठीक है जी, ठीक है जी, स्पॉइलर विथ पेंट 6,500 रुपये का ये पड़ता है अपना, ये आप चेक कर लीजिए, पूरा कच्चा आता है इस वाली गाड़ी के अंदर, मतलब इस पीस के अंदर इसको पेंट करा करके गाड़ी के कलर को मैच कर मैच कराना पड़ता है। बाकी आते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या कुछ चेंज हुआ इसका। तो रोहित भाई अंदर से क्या कुछ रहने वाला है? अंदर से आप देखोगे तो डोर पे पहले देखोगे अपना सॉफ्ट टच, यहाँ पे जो कुशनिंग है वो करी गई है, तो ये कंफर्टेबल फील जो है वो आपको आएगा जब इस पे आप कोनी को रखेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा एम्बिएंट लाइट कितने पीस? 6 पीस K3 K3 वाली रहने वाली है, 4 पीस आपको दरवाजों में और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1 पीस यहाँ पर है और 1 पीस आपको उस साइड में जो है वो मिल जाएगा। प्लस में अपना ग्रैब हैंडल इनर हैंडल पेंटेड वाला लगा है इसके अंदर में, ये पेंट कराया आपने? हाँ, ये स्विच प्लेट पेंटेड होता है, ये पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, और अपना ये भी पेंटेड है, तीनों ही पेंटेड आपको मिल जाएगा। हालांकि ऑप्शन आपके पास रिप्लेसमेंट वाले भी हैं, बट ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें, अगर आपको कॉस्ट सेविंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अंदर एंटर करते हैं तो अपना देखोगे एसी सिल्वर अपना इसके अंदर, यहाँ पे अपना जो एसी वेंट्स है उसके ऊपर सिल्वर इंसर्ट, ये भी पेंटिंग का जो काम है वो किया जा चुका है। हैंडल इसके अंदर जो पकड़ के ए पिलर जो है वो आपको मिल जाएगा, ये को ड्राइवर साइड वाला पार्ट और वो अपना ड्राइवर साइड वाला आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना सीट कवर का फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो, सीट कवर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फुल बकेट सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये इंटीरियर मैचिंग कलर के साथ जो है वो अपना रहने वाला है, आप चेक साइड का भी डोर का देखो अपना, ये अपना रियर व्यू प्रॉपर आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको अच्छी फिटिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। कपड़ा कौन सा है और ये क्या अपना कुछ वारंटी है? इंपोर्टेड लेदर आता है, इसके अंदर 2 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है। मिल जाती है। ठीक है। बाकी अंदर आके आपको दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर और कुछ हुआ है।
और इसी के साथ अपना जो आर्म रेस्ट है वो भी आप चेक कर लीजिए, इसके ऊपर भी कुशनिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव वगैरह में जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगी। बिल्कुल। उसके बाद अपना स्टेरिंग कवर, ये अपना डुअल टोन रैपिंग जो है वो करी गई है, ये हाफ ऑफ रैपिंग जो है वो करी गई है। बिल्कुल। मून डिजाइन नहीं किया गया इसमें। एमआईडी कंट्रोल दोनों पियानो वाला अपना चेंज हो चुका है इसके अंदर में। हाँ, ठीक है। उसके बाद अपना मीटर फ्रेम ग्लोसी, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये अपना मैट ब्लैक आता है सेम इस कलर के साथ, तो यहाँ पे इसको जो है टॉप मॉडल वाले की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये एमआईडी कंट्रोल बता रहे हो आप, ये वर्किंग रहेगा या नॉन वर्किंग है? अब देखो। ओके, तो बटन प्रेस करते ही ये काम जो है वो अपना कर रहा है। कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद अपना आते हैं तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम प्लस OEM वाला, आप देखो ये अपना कंप्लीट ये रहेगा। अच्छा, ये वाला पीस तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम में प्लेन अपना पियानो ब्लैक आता है, उसके साथ ही आता है, बट आपने ये वाला जो है ये पियानो ब्लैक जो है वो करवाया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। स्पार्कलिंग जो अपना पियानो फिनिश है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा। सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये है 12 इंच की अपनी स्क्रीन, OEM स्टाइल है, और प्रॉपर ये कंट्रोल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो OEM वाली स्क्रीन के अंदर जिस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस सब आप मिल जाएगा। प्लस आपको इसमें 360 इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, ये जो बटन नीचे है ये वर्क करेंगे जैसे होम का? आप लोग होम पे आ गए, ये अगर जैसे ये बैक का बटन यहाँ पे आ गया, ये लो बैक का बटन, ठीक है, सेटिंग में आ जाओ। ओके, ठीक है, फिर होम पे आ जाओ, म्यूजिक पे आ जाओ, कॉल वगैरह के लिए ऑप्शन है। ठीक, कॉल ऑप्शन आ गया। सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साइज 12 इंच है, 12 इंच है, 360 डिग्री का जो व्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड व्यू आ रहा है इस साइड में, और ये अपना इस साइड में जो है वो लेफ्ट साइड का व्यू है, यहाँ पे आपको लेफ्ट मार्क भी मिल जाएगा। इस साइड में टैप करेंगे तो राइट का व्यू आ जाएगा। सेंटर में जाएंगे, जैसे कि भाई ने अभी इंडिकेटर जो है वो पुट कर दिया है लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड का व्यू ऑटोमेटिकली इसने जो है वो ले लिया है। राइट साइड का इंडिकेटर पुट करेंगे, राइट का व्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप जो है इसमें हजार लाइट पुट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आप देखो, तो दोनों ही जो अपने लेफ्ट और राइट कैमराज हैं वो मर्ज करके आपको दिखा देगा, और ये यहाँ पे आपको एक बर्ड व्यू भी मिल जाएगा। हम लोग बैक लेते हैं इससे और आपको बाकी जो चीज़ें हैं इसमें दिखा देते हैं। इसमें आपको एक 3D मोड जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का क्या है, गाड़ी चेंज हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप यहाँ पर कैलिब्रेशन के बाद का जो इफेक्ट है वो चेक कर सकते हो, कूड़ा पड़ा है, कितनी दूरी है, क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ आपको नजर आएगा। बिल्कुल। अब ये 360 क्या है ना, 360 लगाने से नहीं होता, उसको प्रॉपर तरीके से ना कैलिब्रेशन कराने पे भी डिपेंड करता है। अब 360 कहीं भी लगा लो, क्या ना प्रोफेशनल बंदे से अगर कैलिब्रेशन होता है तो आपको नाइट में करो कभी भी करो एग्जैक्ट वही होता है। तो हमारे पास प्रोफेशनल लड़के हैं जो 360 लगाते हैं, तो वो चीज़ इसको आपको देख के पता लग जाएगा आपको। ठीक है, कोई वो नहीं है। तो ये रहने वाला है कंप्लीट। ये सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह आती है? ये अपना 232 में आता है, ओक्टा कोर प्रोसेसर में आता है। देखो, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लोग 4/32 4/64 ऐसा कहते हैं, बट 4/32 64 ओक्टा कोर में नहीं आता, ऐसे नॉर्मली आता है, बट उसका जैनमन आपको 232 ही होगा। अब लिखने को इसके अंदर 4/32 4/64 कुछ भी लिख दो सॉफ्टवेयर से, ऐसा कुछ नहीं, 232 एक्चुअल आता है जो 360 का सपोर्टेड आएगा, तो ये 232 ही है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो रहने वाले हैं, और कुछ नहीं, और भी कुछ लगाया बाकी इसके अंदर जो डैम्पिंग वगैरह था वो तो मैंने बता ही दिया था आपको, डोर डैम्प वगैरह जो था। हाँ जी, तो कुछ यही इसके अंदर काम था, बाकी अब मिलते हैं कार के ओनर से, पूछते हैं कैसा कुछ लगा, फीडबैक आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम सचिन चौधरी है। सचिन चौधरी, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? भाई छतरपुर से, दिल्ली से ही है। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? YouTube से देखा था भाई का वीडियोस वगैरह, तो जितनी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए सब मिल गई यहाँ पे। हाँ। फिट फिनिश की बात की जाए, कैसा रहा काम आपको? काम बहुत बढ़िया रहा। अब ये बताइए, काम में कोई कमी आपको तो नहीं मिली? नंबर अगर मैं पूछूं 10 में से नंबर देना हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? भाई मैं 10 में से 9.9 दूंगा। 9.9। अब ये बताइए सर कि जैसे कि आपने YouTube पे वीडियोस वगैरह देखी, काम सारा आपको वैसा ही मिला है या फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं? काम वैसा ही है। YouTube वाले प्राइजेस कहा जाए तो वही रहे कि नहीं? मैंने YouTube पे कोई प्राइस नहीं देखे थे भाई के। ओके, ठीक है। मैंने सिर्फ भाई का नाम देखा था, रिव्यू देखे थे भाई के। हाँ। देख करके मैं फिर आया था। ठीक है। अब ये बताइए सर, छतरपुर से कोई देख रहा हो या आपके कोई नोन में हो, उन्हें रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? भाई मेरे बहुत से दोस्त हैं, अभी तो एक और थे उन्हीं को बुलाया था मैंने, साथ में रिश्तेदार थे, सेम गाड़ी थी, वो करके निकल गए, मेरे से बाद में आए थे, पहले चले गए, उनको भेज दिया, पहले रिश्तेदार थे इसलिए। अच्छा जी, चलिए, मतलब कि आपका रिकमेंडेशन जो है हमें मिलता भी रहेगा। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है, और आप वीडियो देखकर के यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।